This is the first session of 2020. First of all, Happy New Year to all of you. And now, today I am announcing a new series called Global Vision. In this series, we will introduce you so many facts related to mathematics. देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो स्कैटर्ड है, उनको लाने का मैं प्रयास करूंगा, इससे आपको अवेयर करवाऊंगा। इसकी शुरुआत जो मैं कर रहा हूं वो तो अपने पास है मल्टीप्लिकेशन सीरीज, लेकिन आगे क्या क्या प्लानिंग है वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मल्टीप्लीकेशन सीरीज, बट माइंड इट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू हैप्पी न्यू ईयर। In this multiplication series, I am going to start with multiplication by 5. देखो multiplication by 5 is very simple one. हम लोग ऐसे भी multiply 5 से कर लेते हैं very easily. But for the sake of understanding, multiplication with 6, 7, 8 or 9, we should start with 5. So I am going to start with 5. देखो इस तरह का जो भी series आगे जो भी आपको video मिलने वाला है, वो सारे videos में एक बात common होगी। वो बात कॉमन ये होगा कि जो भी नंबर हम लोग लेंगे उस नंबर के लेफ्ट मोस्ट में, मतलब कि जैसे मान लो 17 है, तो 17 में 1 के पहले एक 0 हम लोग डाल करके, मन में डाल करके, कॉपी पर नहीं लिखेंगे, मन में डाल करके तभी हम लोग ये ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए इसका इसके प्रोसेस को पहले मैं समझाऊं। इसमें हम लोग ये याद रखेंगे हाफ द नेबर, हाफ द नेबर मतलब कि जो भी पड़ोस में होगा, राइट हैंड साइड में होगा, उसका हाफ करना है मुझको। जो भी बगल में लिखा हुआ है, जैसे अगर मान लो कि इस तरह का लिखा हुआ है 1 7, तो 1 की बात अगर मैं कर रहा हूं तो 7 का हाफ लेना है, तो 7 का हाफ कितना हो गया, 7/2, दैट मीन 3.5। तो 3.5 हम लोग नहीं लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे 3। तो हाफ द नंबर का सेंस ये हुआ कि राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसका हाफ करो, हाफ में अगर वो फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन में हम लोग डेसिमल वाला पार्ट नहीं लेंगे। कहने का मतलब कि 3.5 है तो हम लोग 3 लेंगे। चलिए ये बात तो हो गई हाफ की, कि हाफ द नेबर का सेंस क्या हुआ। सेकेंडली, जब भी कभी हम लोग देखेंगे इस सीक्वेंस में 5 से मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस में, तो हमेशा याद रखना है बेटा कि अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर कौन सा, ये जिसके बारे में हम चेक कर रहे हैं, वो नंबर अगर ऑड हो तो हम हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें 5 इंक्रीज कर देंगे, और इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए, फिर हम लोग अपनी बात को आगे समझें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ नंबर लाइक दिस 7 3 2 5 8, एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई टू दिस नंबर बाय 5। देखो इस नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से, मन में सोचेंगे, मन में सोचेंगे कि यहां पर 0 है, आई एम राइटिंग हियर 0, लेकिन नॉट ऑल द टाइम आई विल राइट हियर 0। आपको समझना है कि यहां 0 है। अब देखो स्टार्ट यहां से करेंगे बेटा, पहले सबसे पहले करेंगे ये कि 5 से शुरू करेंगे, तो 5 के राइट हैंड साइड को चेक करना है जिसमें क्या लिखा हुआ, हाफ द नेबर। तो हाफ द नेबर मतलब राइट हैंड साइड का नेबर, तो इसके राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 का हाफ 0 होगा। इसका मतलब कुछ नहीं है, मुझको लिखना चाहिए आंसर के रूप में यहां पर 0। अब इसके बाद आगे सोचो, 0 जब हम लोगों ने लिख दिया, इस नंबर पर आओ, ये नंबर देखो ऑड है, और लिखा हुआ है क्या कि इफ नंबर इज ऑड यू शुड ऐड 5। किसमें ऐड करना है 5, नेबर के हाफ में, नेबर के हाफ में। तो नेबर इसका कौन हुआ, नेबर इसका हुआ 8, 8 का हाफ कितना हुआ 4, 4 में 5 ऐड करना होगा। 5 क्यों ऐड करना होगा, इसलिए कि ये ऑड है, तो 4 में 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 9, सो राइट देयर 9। नाउ थिंक अबाउट दिस नंबर 2, 2 एक इवन नंबर है, इसके राइट हैंड साइड को देखो, इसका नेबर देखो, इसका नेबर कौन हुआ 5, इसके नेबर का हाफ कितना हुआ 2.5, तो 2.5 नहीं पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, आदत बनाओ इसको 2 पढ़ेंगे, तो 2 का नेबर हो गया यहां 2, और 2 के यहां पर चूंकि ऑड नहीं है इसलिए एग्जैक्टली 2 लिख देंगे। नाउ थिंक अबाउट दिस नंबर 3, ये नंबर 3 ऑड है, पहले दिमाग में रखो ये ऑड है, और हाफ द नंबर, हाफ द नंबर दैट इज ए नेबर जो इसके पड़ोस में है, तो इसके पड़ोस में कितना है 2, 2 का हाफ कितना हुआ 1, 1 नहीं लिखेंगे, 1 इसलिए नहीं लिखेंगे कि ये ऑड नंबर है,
अगर ये ऑड नंबर है तो उस वन में फाइव ऐड करके यहां लिखेंगे सिक्स. नाउ थिंक अबाउट दिस नंबर, दिस इज अगेन एन ऑड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर है. इसका मतलब इसका जो नेबर है थ्री, थ्री का हाफ हुआ वन, 1.5 वन लेंगे तो वन. इस वन में हम लोग ये ऑड है इसमें फाइव ऐड करेंगे, इट विल बिकम सिक्स. अब यहां भी नहीं रुकेंगे, ये जीरो इसीलिए लिखा था मैंने, इस जीरो के बाद हम लोग सोचेंगे इसके राइट में, इसके नेवर में. तो इसका नेवर कितना हुआ, सेवन है, लेकिन नेवर का हाफ कितना हुआ, थ्री. तो हम लोग यहां लिखेंगे थ्री. दिस इज द आंसर. नाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल सॉल्व. Is it clear? It's very simple one. Start with this six. Six, six के नेबर में कुछ नहीं है, मतलब जीरो. नाइन, नाइन के नेबर में six, six का हाफ थ्री, थ्री. उसके बाद फिर ये ऑड है तो थ्री में फाइव को ऐड करेंगे एट. फिर देखो इसके बगल में सेवन, सेवन की बात करें, सेवन के नेबर में है नाइन, नाइन का हाफ हो गया फोर, लेकिन सेवन ऑड है तो फोर प्लस फाइव कर देंगे, फोर प्लस फाइव नाइन. Is it clear? फिर से देखो फाइव है, फाइव के राइट में मतलब नेबर में है सेवन, सेवन का हाफ हो गया थ्री, और थ्री चूंकि ये ऑड नंबर है तो उस थ्री में फाइव एड करेंगे तो इट विल बिकम एट. इज इट क्लियर? नाउ थिंक अबाउट दिस, ये थ्री, थ्री के नेबर में फाइव, फाइव का हाफ हो गया टू, टू, लेकिन हम लोग टू नहीं लिखेंगे इसलिए कि अगेन थ्री इज एन ऑड नंबर. तो थ्री, सॉरी, इसका हाफ हो गया टू और ये थ्री है ऑड नंबर, इसलिए उस टू में एक फाइव ऐड करेंगे, इट विल बिकम सेवन. अगेन थिंक अबाउट दिस जीरो, जीरो के राइट में है थ्री, थ्री का हाफ हो गया वन, और हम लोग देख रहे हैं कि ये जीरो है, ये इवन नंबर है, कुछ नहीं करना है, तो इट विल बी वन. दिस इज द आंसर. टेक वन मोर क्वेश्चन. कटिंग करना हो जाएगा, जुड़ जाएगा. तो एक अनदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन. सपोज दैट, देखो यहां अभी मैंने लिया था इवन से स्टार्ट होने वाला नंबर, अब थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा नंबर जब मैं लिख रहा हूं तो यहां अब मैं ऑड नंबर लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं. देखो फास्ट आंसर को फास्टली करना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है. आपको फास्ट अगर करना है किसी काम को, एक्टिविटी फास्ट रखनी है, रिजल्ट फास्ट रखना है, कम समय में करना है, तो ये कभी करने की कोशिश मत करो कि मैं शुरुआत में ही कम समय लगाऊं. नो, नेवर. एक्यूरेसी मैटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो स्लो मोशन में करो, स्लो मोशन में करो. मैं एक बार इसको करके दिखाता हूं, स्लो मोशन में करो और उससे एक्यूरेसी मेंटेन करो. जब एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगा ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा. जैसे मैं करके दिखाता हूं एक बार इसको फिर से बोल के. देखो ये एट है, एट के नेबर में यहां पर जीरो है, जीरो का हाफ लेना है मुझको, जीरो का हाफ जीरो होगा, इसलिए कि फ्रैक्शन में नहीं लेना है. अब ये सोचना है मुझको कि ये नंबर एट जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं ये ऑड है कि इवन है. अगर ये इवन है नो प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब यहां जीरो का हाफ जीरो, इसलिए यहां जीरो लिखा मैंने. इज इट क्लियर? यहां जीरो हो गया. अब इसके बाद इस डिजिट पर आओ, इस डिजिट को देखो. पहले ही यहां आते ही दिमाग में तुम्हारे बात आनी चाहिए कि ऑड है और फाइव ऐड करना है. इज इट क्लियर? किसमें ऐड करना है? तो उसके पड़ोसी, उसके नेबर के आधे में. तो इसका आधा हुआ फोर, और फोर में हम फाइव ऐड करेंगे तो ये हो गया नाइन. अब देखो फिर इस नंबर पर नजर डालो, ये ऑड नहीं है इसलिए फाइव का चक्कर ही नहीं है. अब इसके नेबर को देखो, इसका नेबर कितना? फाइव. फाइव का हाफ कितना? टू. 2.5 नहीं बोलो, टू. तो केवल टू पढ़ने की आदत बनाओ, आदत बनाओ, धीरे धीरे होगा. ये टू, तो टू हम लोग लिख लेंगे. इसके बाद
इसके बाद 3 के बारे में आओ, 3 के पर फिंगर रखते ही, 3 को सोचते ही तुरंत ये समझो कि 3 एक ऑड नंबर है, तो 5 ऐड करना है। किसमें करना है? तो उसके नेबर के हाफ में। तो इसका नेबर 2, 2 का हाफ 1, 1 में 5 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 6। अब देखो इस 7 पर आओ, इस 7 को देखते ही समझ गए कि ये ऑड नंबर है, ऑड डिजिट है, इसका मतलब मुझको 5 ऐड करना है। किसमें करना है ये हमेशा याद रखो, किसमें करना है? तो करना है उसके नेबर के हाफ में। तो इसका नेबर कितना? 1, 1.5 नहीं 1। तो इस 1 में 5 ऐड करेंगे तो हो गया 6। फिर अब इसके बाद ये 0 हम लोगों ने जानबूझ करके रखा है, ये अभी से लेकर के जितना भी मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखोगे मेरा, उन सबों में मान करके चलना कि लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 है। अब मैं बहुत सारे जगहों पर 0 नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड होगा। तो ये 0 तो इसके राइट में, इसके नेबर में हो गया 3, इसका हाफ हो गया 3, तो 3 हम लोग लिख देंगे। दिस इज द आंसर एंड हैविंग द सेम अप्रोच वी रोट दिस आंसर। चलो मैं कुछ और आंसर आपसे चाह रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप पहले करो, मैं थोड़ा टाइम दूंगा, हाफ मिनट इज मोर देन एनफ। डू इट। What the result? देखो फिर से मैं करता हूं स्लो मोशन में। पहला आंसर स्लो मोशन में, देखो ये नंबर ऑड है, इसके राइट में जो नंबर है उसका हाफ करेंगे, इसके राइट में कोई नंबर नहीं है उसका हाफ 0 हुआ। अब इस नंबर में चूंकि ये ऑड था, उस 0 में हम 5 ऐड करेंगे तो हो गया 5। अब इसके बगल वाले नंबर पर सोचो, ये फिर से ऑड है, इसका मतलब आने वाले आंसर में 5 ऐड करना है, तो इसके नेबर में हो गया 9, 9 का हाफ हो गया 4, 4 में हमको 5 ऐड करना होगा चूंकि ये ऑड नंबर है, तो 4 प्लस 5 9। फिर देखो इस नंबर पर आओ, ये इवन है तो 5 नहीं ऐड करना होगा, इसके हाफ पर आओ, इसका हाफ हो गया 3, 3 को हम लोग लिख लेंगे। फिर इसके बगल में आओ 4, 4 भी इवन नंबर है, कुछ नहीं करना है, इसके नेबर का हाफ लिखेंगे, इसका नेबर हो गया 6, 6 का हाफ हो गया 2। फिर इसके बाद 2 पर आओ, 2 के नेबर में 4 है तो हम लिखेंगे इसका हाफ 2, क्योंकि ये खुद इवन है। अब इसके बाद इमेजिन करेंगे कि यहां 0 है, तो 0 के नेबर में ये 2 हुआ, 2 का हाफ 1 हुआ, सो दिस इज द आंसर। Is this correct answer? I hope it would have been. चलो इसको कर ले हम लोग थोड़े स्पीड में। देखिए ये 9 है, ऑड है, यहां 0 होगा, 0 तो 5 करेंगे, अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं स्लो मोशन में। देखो ये 9 है, 9 ऑड है तो आंसर में 5 ऐड होगा, इसके राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, इसके नेबर में 0, 0 का हाफ 0, 0 और ये ऑड है इसलिए हो गया 5। अब चलो इसके बाद इस 7 के बारे में सोचो, 7 भी ऑड है, इसके बगल में 9, 9 का हाफ हो गया 4, 4 और ये ऑड है तो 4 प्लस 5 9। इसके बाद इसके बगल में आओ 6, 6 इवन है, कुछ नहीं करना होगा, इसके पड़ोस में है, इसके नेबर में है 7, 7 का हाफ हो गया 3 और 3 में कुछ भी ऐड नहीं करना है तो ये हो गया 3।
सर और इसके बगल में सिक्स फोर, फोर का नेबर है सिक्स, सिक्स का हाफ हो गया थ्री, तो यहां थ्री लिखेंगे। फिर टू, टू के नेबर में है फोर, फोर का हाफ हो गया टू, हम लोग हमेशा की तरह यहां जीरो समझेंगे, तो जीरो के नेबर में है टू, टू का हाफ हो गया वन, दिस इज द आंसर। इज दिस करेक्ट आंसर? यस इट इज। नाउ आई एम डूइंग दिस वन विद सम स्पीड। नाइन के बगल में जीरो ऑड है तो हो गया फाइव, नाइन ऑड है इसका हाफ फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, एट के बगल में है नाइन, नाइन का हाफ फोर, फोर, टू, टू के बगल में एट, एट का हाफ फोर, सेवन, सेवन के बगल में टू, टू का हाफ वन, लेकिन ऑड है तो सिक्स, इसके बगल में जीरो, जीरो के बगल में नेबर में सेवन, सेवन का हाफ थ्री, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डील विथ द मल्टीप्लीकेशन बाय सिक्स।